नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है संचिता क्राफ्ट शॉप। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ 3 क्विक एंड इजी गिफ्ट आइडियाज चिल्ड्रंस डे के लिए। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा है तो घर पे अवेलेबल चीजों को यूज करके आप इन गिफ्ट्स को बना सकते हैं और चिल्ड्रंस डे पे अपने बच्चे को सरप्राइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गिफ्ट आइडिया में हम बनाएंगे चॉकलेट बॉक्स। इसमें हम लेंगे एक एम्प्टी ग्लास जार, आप चाहे तो प्लास्टिक का जार भी ले सकते हैं। तो अच्छे से पहले इसे क्लीन कर लेंगे, फिर अपने बच्चे के फेवरेट कलर से इस जार के लिड को कलर कर देंगे। मेरे बेटे का फेवरेट कलर पर्पल है, इसलिए मैं पर्पल कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है, आप चाहे तो चॉक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। जब तक ये लिड सूखता है तब तक हम जार को डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने स्पार्कल फोम शीट से ये दो हर्ट्स कट किए हैं पर्पल और रेड कलर में, तो इन्हें मैं बॉटल के ऊपर एक के ऊपर एक पेस्ट कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू इसमें यूज कर सकते हैं। हर्ट्स को पेस्ट करने के बाद ऑपोजिट साइड पे हम कुछ कोट लिख सकते हैं, जैसे आई लव यू बेबी और यू आर ऑलवेज इन माई हर्ट। सिंपल कोई भी पेपर ले लीजिए, एक स्केच पेन से इसके ऊपर कोट लिखिए, इसको कट कर दीजिए और इसे पेस्ट कर दीजिए। अब आपके पास कोई भी ब्राइट कलर का कपड़ा हो तो उसका एक छोटा सा स्क्वायर पीस कट करके रखेंगे। अब हम जार में अपने बच्चे के मन पसंद चॉकलेट्स भर देंगे, साथ ही में फिल करने के लिए कुछ छोटे कैंडीज या फिर लिटिल हर्ट्स बिस्किट्स। अब रेड कपड़े को जार के ऊपर रख के लिड को बंद कर देंगे। तो ये गिफ्ट मैंने पर्पल और रेड कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है, आप चाहे तो कोई भी दूसरा कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। और बस हमारा क्विक चॉकलेट जार रेडी है। ऐसे ही सिंपली चॉकलेट्स ना देकर अगर हम इस तरह से जार में पुट करके जार को डेकोरेट करके गिफ्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सेकेंड गिफ्ट आइडिया में हम बनाएंगे एक क्यूट पेंसिल स्टैंड या कलर पेंसिल बॉक्स। इसमें हम लेंगे कोई भी एक प्लास्टिक का इस तरह का बड़ा कंटेनर। ये मैंने एक मेडिसिन बॉक्स लिया है, इसका लेबल हटा के इसे अच्छे से साफ कर लिया है। इस पे हम सिंपली कुछ डिजाइंस बना के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो पहले मैंने एक परमानेंट मार्कर लिया है और कंटेनर के बैक साइड से इक्वल डिस्टेंस पे 6 पॉइंट्स मार्क किए हैं। इन पॉइंट्स के बराबर मैं कंटेनर के ऊपर लाइंस बनाऊंगी, तो स्केल और परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। अब सिंपली फ्री हैंड इन लाइंस के आसपास मैं लीव्स बनाऊंगी। आप 3 या 5 लीव्स का सेट बनाइए ऑड नंबर्स में। लीव्स बनाने के बाद आप कोई भी 2 कंट्रास्टिंग कलर्स से इन लीव्स को पेंट कर दीजिए। मैंने यहाँ लाइट ग्रीन और गोल्डन येलो एक्रिलिक कलर्स का यूज किया है। कलर करने के बाद अगर आउटलाइन कहीं कहीं पर मिस हो गया है तो उसे दोबारा से ठीक कर लीजिए और पेंट के अच्छे से सूख जाने के बाद आप इस पर एक कोट वार्निश का स्प्रे कर दीजिए। तो बस आपका क्यूट सा पेंसिल स्टैंड रेडी है। आप इसमें कोई भी न्यू पेंसिल्स या स्केच पेंस भर कर बच्चे के स्टडी टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने न्यू पेंसिल कलर्स का सेट खरीदा है, मैं इन्हें इसके अंदर पुट करूंगी। बट क्योंकि इन कलर्स का साइज बहुत छोटा है, कंटेनर में पुट करेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने पहले कुछ पेबल्स इसके अंदर रख दिए हैं और फिर इसके ऊपर पेंसिल कलर्स को पुट कर रही हूँ। इससे कंटेनर थोड़ा सा भारी भी हो जाएगा, जब कलर्स निकालेंगे तो गिरेगा भी नहीं और दिखने में भी अच्छा लगेगा। थर्ड और लास्ट गिफ्ट आइडिया में हम बनाएंगे टिक टैक टो गेम। ये बहुत ही कॉमनली खेले जाने वाला गेम है और छोटे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। इसमें हमें गेम के लिए एक बोर्ड बनाना है। मैंने पुराना डायरी का कवर लिया है, ये रेक्टेंगल शेप का था तो इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसे आप किसी भी प्लेन पेपर या कैनवस शीट से कवर कर दीजिए। मेरे पास बोक्रम शीट था, इससे मैंने इसे कवर कर दिया है। बोक्रम आपको किसी भी टेलरिंग शॉप में आराम से मिल जाएगा। इसे आप एक तरह का सस्ता कैनवस शीट भी कह सकते हैं। बोर्ड में अच्छे से फेविकॉल लगाकर इसे बोक्रम शीट के ऊपर पेस्ट कर दीजिए और एक्स्ट्रा शीट को पीछे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। फेविकॉल को सूखने में टाइम लगता है, इसीलिए जब तक फेविकॉल सूखे तब तक हम गोटियां बना लेते हैं। इस गेम को हम क्रॉस या सर्कल ड्रॉ करके खेलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गोटियाँ बना रही हूँ। गोटियाँ बनाने के लिए मैं डॉजन ब्रांड का मॉडलिंग क्ले यूज़ कर रही हूँ। सिंपली बस इस क्ले को थोड़ा सा पानी से हम सॉफ्ट करेंगे।
फ्ले को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 9 गोटियां बनाएंगे। अगर आपके पास इस वक्त क्ले नहीं है तो आप व्हाइट सीमेंट या वॉल पुट्टी से भी इन गोटियों को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास शेप्स नहीं बनाने हैं, बस सिंपली इनको गोल करना है। देखिए, इस शेप की हमें गोटियां बनानी है। गोटियों का जो शेप होगा वो पूरा सर्कल नहीं होगा, थोड़ा एग शेप का बनेगा, और थोड़ा सा इन्हें उंगली से दबा के फ्लैट कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 गोटियां बनाई हैं। इसी तरह से मैं 9 और गोटियां बना लूंगी। देखिए, मैंने 9 गोटियां बना ली हैं, और अब 24 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। जब तक ये गोटियां सूखती हैं, तब तक हम अपने बोर्ड को कलर कर लेते हैं। देखिए, 2 घंटे में ये अच्छे से सूख गया है। बोर्ड को कलर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन एक्रेलिक कलर। ग्रीन कलर के अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसमें 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 2 वर्टिकल और 2 डायगोनल। परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम मास्किंग टेप की हेल्प लेंगे। जितना मोटा हमें लाइन ड्रॉ करना है उसके आसपास मैंने मास्किंग टेप को इस तरह से स्ट्रेट वे में पेस्ट कर दिया है, और इसके बाद मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से इस बीच के गैप पर कलर कर दिया है। सूख जाने के बाद मैंने व्हाइट का दूसरा कोट किया है, और दूसरा कोट भी सूख जाने के बाद मैंने मास्किंग टेप को हटा दिया है। देखिए कितनी क्लियर लाइंस आ गई हैं। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की 2 लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे, और हमारे बोर्ड में 9 छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे। बोर्ड रेडी करने के बाद अब हम अपनी गोटियों की तरफ चलते हैं। 2 दिन के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सूख के सॉलिड हो गए हैं। अब मैं इन्हें पेंट करूंगी। इसमें से 4 गोटियों को मैं रेड कलर से पेंट करूंगी, और बाकी 5 को मैं येलो कलर से पेंट करूंगी। आप चाहे तो 5 रेड कलर की गोटियां और 4 येलो कलर की गोटियां बना सकते हैं। कलर का फर्स्ट लेयर सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर ब्लैक एक्रेलिक कलर से डिजाइन बनाएंगे। तो मैंने रेड और येलो इसीलिए किया था क्योंकि मैं रेड वाले को लेडी बग बनाना चाहती हूँ, और येलो वाले को हनी बी का लुक देना चाहती हूँ। तो लेडी बग के लिए हम छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे इसकी बॉडी पर, और येलो वाले को हनी बी बनाने के लिए हम ब्लैक से इसके ऊपर स्ट्रिप्स बना देंगे। इसके बाद मैंने इसमें व्हाइट कलर से आईज बनाई है, एक छोटी सी स्माइल भी बना दी है। तो जिस तरह से मैंने एक लेडी बग और एक हनी बी पेंट किया, उसी तरह से बाकी गोटियों को भी पेंट कर लेंगे। और बस हमारा टिक टैक टो गेम खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये गेम खेलने में बहुत ही इजी है, इसलिए छोटे बच्चों को बहुत मजा आएगा, और साथ ही में इसके ब्यूटीफुल कलर्स की वजह से ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये क्विक और इजी गिफ्ट आइडियाज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के क्यूट और इजी हैंडमेड गिफ्ट्स आप जरूर बनाइए और अपने बच्चे को गिफ्ट कीजिए। मेरा वीडियो देखने वाले सभी बच्चों को और उनकी मदर्स को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए क्राफ्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू समथिंग क्रिएटिव एवरी डे। थैंक यू।